ओम नमः शिवाय हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल 20 गुरुजी में। क्या आप भी अपने घर की सुख शांति और संतान की कमी या धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, क्या आपके पितर आपसे नाराज हैं, क्या आपको लगता है आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, करीब 500 वर्षों बाद सबसे बड़ी अमावस्या 2023 की भाद्य पक्ष अमावस्या के दिन अगर आप ये एक दीपक से जुड़ा हुआ आसान और असरदार अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और आपके पितरों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वो मात्र इसे एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। इस बार 14 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग और काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है। इस वजह से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और इस दिन मात्र घर की इस दिशा में एक दीपक जला देने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को सुबह 9:15 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:48 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि यमराज सभी आत्माओं को भाद्रपद अमावस्या के दिन धरती पर भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवार से श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने परिजनों का श्राद्ध नहीं करते और उसके पितर उससे नाराज हो जाते हैं, इसीलिए दोस्तों भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों के नियमित रूप से श्राद्ध जरूर अर्पण करने चाहिए। दोस्तों, पितृपद में श्राद्ध करने से परिवार के लोगों के तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृ दोष का भी निवारण होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है दर्पण श्राद्ध या पितृदान और पिंड दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद श्राद्ध अर्पण करना बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है अगर अपने परिजनों का बढ़िया तरीके से श्राद्ध और अर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती और वह इस संसार में भूत प्रेत में भटकते रहते हैं। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध व्रत का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं उनके ऊपर पितृदोष लगता है। दोस्तों, पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में सबसे अव्वल माना जाता है। और दोस्तों, जिनके ऊपर दोष लगा होता है उनको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती और उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन होता है। दोस्तों, इस दिन आप छोटे छोटे से कर्म करके छोटे छोटे से उपाय करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, माना जाता है जिनको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आसान और असरदारक उपाय बताने रहे हैं जो भाद्रपद अमावस्या के दिन किया जाना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, पितरों के आशीर्वाद से पितर दोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं और जीवन में खुशहाली आती है और क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस उपाय में जानने से पहले आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपने स्नान कर लिया तो रात्रि के समय अच्छी तरीके से अपने हाथ मुंह धो लें, फिर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी एक दीपक की। दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का, कोई भी चलेगा। दोस्तों, अगर आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो नमक मिलाए और शुद्ध जल से ही आटे का दीपक बनाएं। और दोस्तों, शुद्ध बाती बनाएं और शुद्ध बाती बनाने के बाद आप उसमें घी डालें। अगर घी ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे तेल का प्रयोग ना करें। यह दीपक आपको सूर्यास्त के समय मतलब रात के समय ही जलाना है। दोस्तों, शाम की पूजा हो जाने के बाद आप इस दीपक को जला सकते हैं। और दोस्तों, इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें। दोस्तों, मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं या आप एक लकड़ी के पाटे पर इस दीपक को रख सकते हैं। दोस्तों, दीपक रखने से पहले आप उसे आसन जरूर दें, यानी कि दीपक के नीचे थोड़े से अच्छा मतलब साबित चावल जरूर रखें, फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखें और जलाएं। दोस्तों, दीपक को जलाते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दोस्तों, इस दीपक को आप दक्षिण के किसी साफ स्थान पर भी
अपने घर के कोने में चला सकते हैं। दोस्तों दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दोस्तों दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। दोस्तों माना जाता है कि दक्षिण दिशा से ही पितृलोक से पितर आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में ही दीपक करके जलाया जाता है और इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों आम दिनों में मात्र अमावस्या की रात को ही दक्षिण मुखी दीपक का दान करना चाहिए क्योंकि दीप जलाना शुभ अवसर पर बहुत ही मान्य परंपरा माना जाता है। तो दोस्तों मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए। दोस्तों माना जाता है नियमित रूप से पितरों को सही तरीके से किया जाने वाला दान ही नियमित रूप से माना जाता है। इसीलिए दोस्तों अमावस्या की रात को दक्षिण मुखी दीपक दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और यह खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ जाएं और बैठ करके आपको पितृदेव का यह 108 बार मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र यह है ओम पित्रो देवताय नमः और इसके बाद आप विष्णु भगवान के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक माला जाप करें। दोस्तों भगवान विष्णु को पितरों के देवता माना जाता है, इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों इस दिन गीता का पाठ करना और विष्णु पुराण का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन आप पितरों के लिए थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और दूसरे दिन किसी गरीब व्यक्ति को वो दान में दें और इससे भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं ऐसा दान करने से पितरों की भूख और प्यास मिट जाती है और पितर तृप्त हो जाते हैं श्रद्धा से दिया हुआ। ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है। और दोस्तों श्राद्ध क्रम से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई सा दूसरा मार्ग नहीं है और इससे आयु बढ़ती है और सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। ना कि पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की होने लगती है, पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों पितृ भी देवता तुल्य माने गए हैं, इसीलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। और दोस्तों इस पूजन करने के बाद भगवान श्री अश्विनी विष्णु को और लक्ष्मी मैया को नमस्कार करें और उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और इसके बाद अपने पितरों को नमन करके और अपने कुल देवता को नमन करके उनका स्वीकार करें और उन्हें नमस्कार करें और अपने कष्टों के हेतु उन्हें निवारण बताएं और अपने पितरों से कामना करें वो अपने पूरे परिवार पर और आप पर और आपके परिवार पर पूरे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों उपाय करने के बाद जो दीपक के नीचे आपने चावल रखे थे वो अपने पक्षियों को किसी को भी डाल दें। अगर दोस्तों आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। दोस्तों पितरों के लिए ऐसे उपाय करके वो हमें आशीर्वाद दिलाने के कार्य आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। दोस्तों इस उपाय से आप माता विष्णु, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही कई समस्याओं का इससे निवारण हो जाता है। और दोस्तों इस उपाय को करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन में चल रही सारी समस्याओं का हल हो जाता है। हमारे परिवार पर कोई भी संकट था उसका भी निवारण हो जाता है। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार जरूर कीजिएगा और आप पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लीजिएगा अपने जीवन में और आप देखेंगे आपका घर भंडार खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में कोई भी समस्या नहीं रहेगी और पितरों का और विष्णु भगवान का आशीर्वाद और लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप भी विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कॉमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दें।